हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ओके, तो केमिस्ट्री में हमने डीएनए ब्लॉक जो स्टार्ट किया है, बस इसका अंत होने वाला है कुछ ही दिनों में। एक दो वीडियो इसकी और आएंगी बस। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं बोर्ड लेवल पे, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पे जो बनता है इस चैप्टर से, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ KNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियाँ, है ना? बनाने की विधि यानी किस प्रकार से आप पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाएंगे, ठीक है? तो इसके बनाने की विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें MnO2 का किसका क्या किसका काम है ना, MnO2 को हम एल्कली मीडियम में, एल्कली मीडियम मीन्स क्षारीय माध्यम में, है ना? MnO2 का हम क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, फ्यूज़न करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज़न, संलयन करेंगे हम। क्या करेंगे? MnO2 का क्षारीय माध्यम में फ्यूजन करा जाता है यानी संलयन किया जाता है। किसका? MnO2 का, ठीक है? क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन की अधिकता में। तो कैसे क्या लिखेंगे आप, MnO2 का क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन की अधिकता में जब फ्यूजन किया जाता है तो तब हमारा क्या बनता है, उसी रिएक्शन के दौरान हमारी क्या बनती है, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो कैसे बनेगा, जरा इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो बच्चों कैसे बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपका MnO2 होता है ना, जो MnO2 होता है इसका हम क्षारीय माध्यम, सपोज यहाँ पर हम KOH ले लें, ठीक है? इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिकता में हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। और यहाँ पर KNO3, ये रिएजेंट आपका काम, रिएजेंट के तौर पे इसका यूज किया जाता है KNO3 का, ठीक है? तो इससे आपका जो बनता है वो बनता है, क्या बनता है, K2 MnO4 प्लस H2O, ये आपका बनता है। तो K2 MnO4, ये आपका इसको कहते हैं पोटेशियम मैंगनेट। क्या कहेंगे K2 MnO4 को हम, पोटेशियम मैंगनेट। तो ये पोटेशियम मैंगनेट बन गया, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, हरे कलर का होता है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है? तो अगर इसको हम आयन के रूप में लिखें तो इसको आयन के रूप में हम लिख सकते हैं K2 MnO4 को हम आयन के रूप में लिखते हैं K2 MnO4 2-, ये इसके आयन के रूप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? समझे आप? हाँ। तो अब क्या करेंगे हम, जो आपका ये मैंगनेट आयन है MnO4 2-, इसको क्या बोलेंगे हम, मैंगनेट आयन। ये पोटेशियम पर मैंगनेट से ही हमने लिखा है, ठीक है ना? तो इस मैंगनेट आयन का क्या करेंगे हम, इसको हम फिर वियोजित करते हैं। क्या करते हैं हम, वियोजित करते हैं। कैसे करेंगे, देखो जो आपका मैंगनेट आयन होगा ना, ये MnO4 2-, तो मैग्नेट आयन का हम क्या करेंगे, क्षारीय माध्यम में या एसिडिक यानी अम्लीय माध्यम, किसी भी माध्यम में आप इसका वियोजन करते हैं। क्या करते हैं, वियोजन करते हैं। इसको हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? तो देयर विल बी द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ MnO4 2-, है ना? यानी मैग्नेट आयन का क्या होगा, वियोजन होगा किस माध्यम में, क्षारीय या अम्लीय। हम अम्लीय माध्यम में करते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या निकलते हैं आपको पता है, एच पॉजिटिव आयन निकलते हैं। तो ये रिएक्शन होती है MnO4 2-, एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना देता है, क्या बना देता है, ये बनाएगा आपका MnO4 1- प्लस MnO2 बनेगा प्लस H2। ये तीन चीज़ें बनती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, डिसप्रोपोर्शन, ठीक है? तो डिसप्रोपोर्शन होता है यहाँ पर किसका, मैंगनेट आयन का। तो देखो आप, देखो मैंगनेट आयन MnO4 2- से MnO4 1- बन गया, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। क्या बोलेंगे इसको हम, पर मैंगनेट। तो पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाता है आपका, ठीक है ना? तो ये पर मैंगनेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर मैंगनेट आयन, जो कि किस कलर का होता है, पर्पल, लाइट पर्पल, मान के चलो कि पिंक कलर का होता है लगभग। आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट हल्का हल्का किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो इसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है, या डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है यानी अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है।
एक ही रिएक्टेंट का यानी एक ही अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और उसका अपचयन। जैसे यहाँ पर देखो आप MnO42 नेगेटिव है, MnO42 नेगेटिव यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या अगर आप देखें, Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है, +6 है। और यहाँ MnO41 नेगेटिव में ऑक्सीकरण संख्या देखें, यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया है यानी ऑक्सीकरण हो गया है यहाँ पर। यहीं पर देखो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है और यहाँ पर MnO2 में ऑक्सीकरण संख्या Mn की क्या है, +4, तो +6 से +4 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn का क्या हो रहा है, अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है ना, तो रिडक्शन हो रहा है। तो देखो एक ही रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन। तो ठीक है, तो इस रिएक्शन के द्वारा हमारा क्या बन जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन गया MnO41 नेगेटिव। क्लियर है ना। हाँ, तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, लैब मेथड, अगर हम लैब में बनाया जाए, लेबोरेटरी में बनाया जाते हैं, तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, हम जो आपका मैंगनीज आयन होता है, मैंगनीज आयन कौन सा होता है, Mn2 पॉजिटिव है ना, तो मैंगनीज आयन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हम कराते हैं परऑक्सोडाइसल्फेट आयन से। परऑक्सोडाइसल्फेट आयन मीन्स H2O8 2 नेगेटिव, ये परऑक्सोडाइसल्फेट आयन, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, लेबोरेटरी मेथड है। तो इससे भी आपका क्या बनता है, MnO41 नेगेटिव यानी परमैंगनेट आयन बन गया आपका, है ना, प्लस आपका क्या निकल जाता है यहाँ से SO42 नेगेटिव आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी होती है लेबोरेटरी में, अगर लेबोरेटरी में हम इसको बनाते हैं तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें आप Mn का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण संख्या है और यहाँ पर Mn की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, MnO4 नेगेटिव में +7 होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और H2O8 से SO42 नेगेटिव बन गया, तो इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होते हैं, तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परमैंगनेट को लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयन, यानी मैंगनेट आयन अभी जैसे मैंने आपको बताया MnO42 नेगेटिव, परमैंगनेट आयन MnO41 नेगेटिव। ठीक है ना, तो इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी समचतुष्फलकी जिसको बोलते हैं, यानी चतुष्फलकी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर इनका होता है, किस किस का, मैंगनेट आयन का भी और परमैंगनेट आयन का भी, समझे आप। तो मैंगनेट आयन के अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे सपोज हम देखें मैंगनेट और परमैंगनेट आयन दोनों का स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यानी चतुष्फलकी होता है, अगर देखें आप MnO42 नेगेटिव एंड MnO41 नेगेटिव। ठीक है, तो MnO42 नेगेटिव ये तो होता है आपका किस कलर का, ग्रीन कलर का, किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का बताया मैंने, और ये किस कलर का होता है, ये हल्का सा ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, और दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। चलिए पहले हम MnO42 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो Mn होता है ये तीन डबल बॉन्ड, वो दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी जो आपके ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, किसका स्ट्रक्चर है, MnO42 नेगेटिव यानी मैंगनेट आयन का है। अब पर मैंगनेट का बनाते हैं, इसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें कितना हो जाएंगे, इसमें तीन डबल बॉन्ड हो जाएंगे, Mn डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैंगनेट और परमैंगनेट आयन को बना सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार, और प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आप वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों को भी बताएं कि मिशन स्कूल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कहीं ना कहीं
हमारा यह चैनल आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।